सबसे पहले जितने भोजपुरी श्रोता जो भी लोग सुनते हैं जानते हैं सबको मेरा प्रणाम है। और अभी ये पिक्चर 2021 का मेरा पहला पिक्चर है और इस पिक्चर से मैं जितना बताऊं उतना कम है, सीखने और जानने को मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूं और सुरभि इंटरटेनमेंट के माध्यम से जो पिक्चर बन रहा बा और आदरणीय हमारे माधव सर इसके निर्माता हैं और साथ साथ बहुत ही अच्छे एक एक्टर भी हैं, इनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलता है। तो मैं तो अभी सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ और हमेशा यही प्रयास करूँगा। और मैं चाहूँगा कि प्यारे स्नेह जो दुलार सर दिए हैं मैं आजीवन आभारी रहूँगा, क्योंकि मुझ पर इन्होंने विश्वास इतना किया, मैं जितना कहूँ उतना कम है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस फिल्म के निर्देशक सुनील मांझी जी हैं जो बहुत सलीके के साथ और बहुत तरीके से एक एक चीज़ बता रहे हैं और हम फॉलो कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। और बस तमाम चाहने वालों का प्यार आशीर्वाद बना रहे हैं, सर का आशीर्वाद। इस फिल्म को लेकर के हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि जब ये फिल्म का फर्स्ट लाइन आया तो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि इसमें हमें एक नया चेहरा चाहिए था, फ्रेश चेहरा चाहिए था हमको इस फिल्म के लिए। तो उस समय हम लोगों की तलाश पूरी हुई दीपक बाबू पे कि इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का जो हीरो है बिल्कुल दीपक से मैच खाता है। तो इस वजह से हम लोग इस फिल्म में इनको कास्ट किए और उस रोल को इतना बखूबी ये निभाएंगे शायद उतना उम्मीद हम लोगों को नहीं था। जो अभी ये कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो फिल्म की मेकिंग हो रही है वो अपने आप में अद्भुत है। और ये 2021 की ब्लॉकबस्टर मूवी होगी, इसकी तो गारंटी मैं देता हूँ आपको। सच में ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी और मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा गीत आपने सुना होगा, बॉलीवुड हाफ गर्लफ्रेंड में भी बजा था रतिया कहाँ भी तोलना। उस गाने पे मैं खुद मैंने अलग तरीके से अभिनय कर रहा हूँ, मेरा ही आवाज़ रहेगा उसमें, वो लेडीज कोई नहीं आवाज़ दे रही है, मैं ही गा रहा हूँ स्वयं। और उसमें मेरा अलग तरीका से अलग रूप में मैं एंट्री करूँगा सूट सलवार में और पहली बार। और अजीब मैंने कहानी है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो आप सबके देखे के मिली कि केन का होता नाच होता। और एक एक चीज़ें मैं छुपल बा और आप सबके बीच में पिक्चर आई सुरभि माधव इंटरटेनमेंट के बैनर तले, जो उनकी आप सबके अब का कहीं, जितना कहीं उतना कम बस सर के हाथ में इतना जस हो कि जेकरा प्रति और जेकरा से लगन से हैं कोई नहीं वो कबू पीछे नहीं, सभी आगे बा। यहाँ के बैनर तले के जितना भी पिक्चर बनल बा सब सुपर ब्लास्ट। तो ऐसा उम्मीद करब माँ भगवती से कि हे माँ हमारी भी नैया पार कीजिए और भैया का प्यार स्नेह दुलार दीपक दिलदार के प्रति सदा बहार बना रहे। और हाँ, आज मैं आप सबके सामने भी बोल रहा हूँ कि भैया मुझे जब याद करेंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट को जानता हूँ लास्ट को थोड़ा देर के बाद जानता हूँ। क्या बात है, मैं फर्स्ट जानता हूँ लास्ट को नहीं जानता हूँ, समझते समझते समझूंगा। लेकिन मुझे इतना याद है कि फर्स्ट आज स्ट्रगल पीरियड में आज मुझे न चलने के ठीक है, न रहने के ठीक है, न करने की बात होता है, एक एक चीज़ सभी लोग बता रहे हैं, मेरे साथ उम्मीद और भरोसा कर रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो धन्य हो गया भैया का प्यार स्नेह दुलार पा करके। और मैं चाहूँगा कि ये स्नेह दुलार हमेशा बना रहे और भैया के लिए हम 24 घंटा जब ये मुझे याद करें मैं खड़ा रहूँगा और दिल से जो भी भैया आदेश देंगे मैं उसे निभाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत प्यार दुलार दे रहे हैं भैया और मेरे लिए लड़ रहे हैं तरह तरह के। देखिए पिक्चर दुनिया है, तरह तरह की बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ भैया भी सुने, हमें भी सुनने को मिलता है। लेकिन हाँ, सब कुछ छोड़ते हुए भी भैया ने मुझ पर विश्वास और दिल से जो प्यार दिए मैं सदा भारी हूँ, इसलिए अब इसी के साथ मैं ज़्यादा क्या कहूँ। ये पिक्चर से मेरा समझिए कि 2021 का पहला पिक्चर है और माँ की कृपा हुई तो लगातार ही रहेगा। अभी सेट पर देखिए ना, एक दो प्रोड्यूसर और लोग भी आ गए थे, क्या जी दीपक जी साइन करना है, खरवास बीत जाने दीजिए, वो लोग खुद बोले। तो ये मेरा भाग्य है, कहीं ना कहीं सर मेरे लिए लकी साबित होते जा रहे हैं और मैं बेहतरीन करने वाला हूँ पिक्चर। और अभी सर का भी बहुत सारा लाइनअप हो रहा है और लगातार पिक्चरें हो रही है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि हम लोग का जो काम कर रहे हैं पूरे यूनिट की मेहनत जम करके हो रहा है। और हीरोइन जो हैं ऐशा कश्यप, कल्पना पाठक और निर्देशक
सुनील मांझी जी, अरे फिल्म के पीआरओ रामचंद्र जी, उनका कहना क्या है, नाम लेने से ही आदमी तर जाता है। तो इनका जवाब नहीं, अभी दिल से मेहनत करें राम भैया, आपको दिल से धन्यवाद जो आपने मुंबई से चल करके इस खलीलाबाद के धरती पर आपने अपना कीमती समय दे रहे हैं और हम लोगों को प्यार दुलार दे रहे हैं। और सर को क्या कहूँ मैं, जितना कहूँ उतना कम है। एक शब्द मैं बोलना चाहूँगा, मुझे बनावटी लोगों की व्यवहार अच्छी नहीं लगती, मुझे बनावटी लोगों का व्यवहार अच्छी नहीं लगती। जहाँ ईमान बिक जाए वो बाजार अच्छी नहीं लगती। यूँ तो चकाचंद दुनिया को लुभाती है, लेकिन जिस घर में माँ बाप की सम्मान ना हो उस घर में मुझे त्यौहार अच्छी नहीं लगती। वाह, अभी तो मैं एक गाना गाया था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ है और हो रहा है, बहुत ऐसे एल्बम भी आ रहे हैं, लेकिन एक गाना गाया था बितले अभी हुआ मैंने, बाकी काफ़ी चर्चा वाला रहा। लड़की कहती है, जैसा मैंने चाहा वैसा मर्द आज तक मिला नहीं, जैसा मैंने चाहा वैसा मर्द आज तक मिला नहीं। तो लड़की का कहता है, सुन, ऐसा कोई जिला नहीं जो यूपी बिहार से हिला नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जो यूपी बिहार से हिला नहीं। ये गाना बहुत भोजपुरी के सम्मान में हिट रहा अन्नू, और सब आप सबके बीच आ रहा है, बाकी विशेष इस फिल्म में देखने के बाद पता चलेगा।